हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर के घर को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। सुबह की प्रार्थना घुटने टेक कर बैठ जाएंगे, जो भी समस्या है पिता से बताएंगे। यदि आप दुखों में, तकलीफों में, चिंताओं में, निराशा में हैं, बेचैनी में हैं, तो पिता से बताएंगे, ठीक है। अगर कोई काम नहीं बन रहा है, यीशु मसीह के नाम से काम बनेगा, ये ठीक है भैया। वीडियो को ध्यान से देखना, प्रार्थना को काट पीट के मत देखना, ठीक है। आपकी ज़रूरतों को, आपकी इच्छाओं को यीशु मसीह पूरा करेगा। पिता हमारा हम सभी के मांगने से पहले जानता है कि हम सभी को क्या चाहिए, हम सभी की क्या आवश्यकता है। पिता हम सभी को सभी से मांगने से पहले जानता है, ठीक है। हमारा प्रभु महान है, दयालु है, वो करुणानिधि है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु, सेनाओं का यहोवा, सृष्टिकर्ता मालिक है, ठीक है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिता ने कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, ठीक है। हमें पिता से मांगना पुकारना है, ठीक है। अपने घुटने टेक कर बैठ जाएंगे और अपनी ज़रूरतों को पिता से शेयर करेंगे। चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे प्रभु। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, मेरे पिता, जो आपने हम सभी को मेरे प्रभु जीवतों के बीच में जीवित रखा है, मेरे प्रभु संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है प्रभु। इसके लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता कितने होंगे, मनुष्य होंगे, अन्यजाति लोग होंगे पिता, जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो बिना उद्धार ही के मर गए होंगे पिता, और वे कैसे स्थान जगह पर चले गए होंगे प्रभु, जहाँ का धुआं युगानुयुग उठता रहता है मेरे पिता। मेरे प्रभु, जो आपने हम सभी को रात से सुबह दिखाई, रात तक जीवित रखा है, सुबह तक संभाल के रखा है, इसके लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता होने दे यीशु मसीह, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जो बीमार है पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अपनी बीमारियों को लेकर टेंशन डिप्रेशन में चले गए हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता आपके नाम से मेरे प्रभु वे चंगे हो जाएं मेरे प्रभु। क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशान है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या शरीर में पिता हम नहीं जानते पिता, कैंसर है, गिल्टियाँ, पथरिया, ट्यूमर है पिता, कुछ भी घातक खतरनाक बीमारियां पड़ी हैं मेरे पिता, हैं मेरे प्रभु, आपने चंगा करे मेरे प्रभु, आपसे बड़ी हुई कुछ भी नहीं है मेरे पिता, आपने चंगाई उंडेल दीजिए मेरे स्वामी, वे चंगे हो जाएं समस्या आपके नाम से। हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे स्वामी। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, मेरे प्रभु जो हॉस्पिटल में एडमिट है मेरे स्वामी, मेरे पिता आप उन्हें छुए पवित्र आत्मा जी, उन्हें चंगाई दीजिए मेरे पिता। मेरे प्रभु किसी के पास इतना पैसा नहीं है मेरे पिता कोई अपना इलाज करा सके मेरे पिता, आप पिता उन्हें चंगाई दीजिए मेरे स्वामी। मेरे प्रभु आपने कहा है, आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मेरे पिता आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम से पुकारते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता ये भाई बहन चंगे हो जाएं, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे मेरे पिता, ये चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी जय जयकार करते हैं ईश्वर जी। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि मेरे पिता। मेरे प्रभु होने दे मेरे पिता, उनके लिए प्रार्थना करते पिता, जो काम के लिए बाहर गए हैं मेरे पिता, जिनका काम नहीं बन रहा मेरे स्वामी, मेरे पिता परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु आज से उनका काम बनने पाए यीशु मसीह आपके नाम से, उनका काम बन जाए यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से। मेरे प्रभु, मेरे पिता ये सबको छोड़ छाड़ के आपके पीछे आए पिता, आप उनका जीवन संभालिए मेरे पिता। मेरे प्रभु जिस काम के लिए बाहर गए हैं पिता, वो काम का बनने पाए मेरे स्वामी, मेरे पिता। मेरे प्रभु जो कर्ज में, जो बोझ में दबे हैं मेरे स्वामी, मेरे पिता, जिनका कर्ज नहीं निकल रहा है मेरे पिता, मेरे पिता कर्ज को लेकर टेंशन डिप्रेशन में, निराशा में, बेचैनी, उदासी में चले गए हैं मेरे पिता, मेरे प्रभु आप इनका कर्ज निकालिए पिता, इनका बोझ आप उठाइए, इनका बोझ हल्का करिए मेरे पिता परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है, बोझ से दबे हुए मानते हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रभु आपने कहा है वचन के माध्यम से, मेरे प्रभु मेरे पिता इस वचन के द्वारा हर एक मसीह बंद के जिमने सहायता करे, मदद करे, अगुवाई करे, रक्षा करे यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, पवित्र, पवित्र,
आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं। मेरे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पापा आपको दिया गया है। मेरे पिता, मेरे प्रभु, जो भी हम सभी मसीह भाई बहनों से पाप गलती गुना हुए हैं मेरे स्वामी, आप माफ करें, आप क्षमा करें मेरे प्रभु, क्योंकि पिता मानव जाति हैं, हम सभी से पाप हो सकते हैं, गलतियाँ हो सकते हैं मेरे स्वामी, आप माफ़ करें। कृपया आप अपने लहू से शुद्ध करें, आप लहू से शुद्ध करें मेरे पिता। मानव जाते हैं हम सभी पिता, मानव निर्बल है, कमजोर है, वह पाप में गिर सकता है, बिखर सकता है मेरे पिता। मेरे प्रभु, सिर्फ आपके पास से अधिकार है मेरे पिता कि आप हम सभी के गुनाहों को मिटा सकते हैं, अपराधों को क्षमा कर सकते हैं पिता। अपनी करुणा के अनुसार पिता हम सभी मसीह भाइयों के ऊपर अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार पिता हम सभी के अपराधों को मिटा डाल मेरे स्वामी। यश हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु, जय जयकार करते हैं मेरे स्वामी। मेरे पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जो गरीब हैं पिता, जो दुखों में, जो लाचार हैं, बेचैनी में पिता, जो अपनी गरीबी को लेकर टूट चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही मेरे स्वामी पिता, किरण आप है मेरे पिता, आप हाथ पकड़ कर चलाने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। आपने कहा मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या आवश्यकता है मेरे प्रभु। आपने कहा है पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो मेरे प्रभु, आपने कहा है तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी मेरे प्रभु। जो गरीब हैं, जो लाचार हैं मेरे पिता, जो कमाने लिए नहीं है मेरे पिता मेरे प्रभु, इनके हाथ मांगने लिए नहीं मेरे स्वामी, इनके हाथ आप देने लिए बनाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे मेरे प्रभु। आपने कहा है यीशु पापा, आपने कहा है मेरे पिता, इस वचन के द्वारा हर एक मसीह बहनों की सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें, रक्षा करें मेरे प्रभु। मेरे पिता, ये बहुतेरी जातियों को उधार देने ले वंश के मेरे पिता, ये मांगने वाले नहीं मेरे पिता, इनके हाथ देने वाले हो जाए, ये बहुतेरी जातियों को उधार देने ले वंश के यीशु मसीह, ये बहुतेरी जातियों को उधार देने ले वंश के मेरे पिता। इनके घरों के ऊपर ऐसे उंडेल दीजिए प्रभु, बरकतें उंडेल दीजिए, तंगी परेशानी दूर हो जाए प्रभु। आपने कहा है मैं तेरे हाथ मांगने नहीं, मैं तेरे हाथ देने ले बना दूंगा मेरे प्रभु, आपने कहा है मेरे प्रभु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते मेरे स्वामी यीशु राजा, आपकी जय जयकार करते मेरे प्रभु। मेरे पिता, आपने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दिया है, कोढ़ियों पाइजों को शुद्ध किया है मेरे प्रभु। आपने महान आश्चर्य काम किए, अद्भुत काम किए, मिराकल किए, चमत्कार किए मेरे प्रभु। आपके जैसा कोई कार्य नहीं कर सकता, आपके न कोई तुल्यवान, न कोई पाएगा इस जगत में मेरे प्रभु। मेरे पिता, जो मसीह बहन काम के लिए गए हैं उनका काम बनने पाए मेरे पिता, और पिता हर एक मसीह बहनों को आने जाने में सहायता करें, मदद करें मेरे प्रभु। हर एक जनों को पिता आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता, इस दिन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। प्रभु ये छोटी सी विनती आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल करेगा, आमीन।